भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज 3 नवंबर से शुरू होने वाली है। और दोस्तों, इस T20 सीरीज का सबसे पहला T20 मुकाबला 3 नवंबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। और आज इस वीडियो में हम आपको इस पहले T20 मुकाबले की टाइमिंग्स, वेदर रिपोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल और अन्य मुख्य खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पहले T20 मुकाबले की एकदम कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस पहले T20 मुकाबले में एक जबरदस्त जीत हासिल करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम इस पहले T20 मुकाबले की वेदर रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो मौसम विभाग की तरफ से मौसम की खबरें इस पहले T20 मुकाबले के लिए निकल कर आ रही है वो दोस्तों बेहद ही खुश करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय टीम के लिए अब ऐसा रूटीन बन चुका है कि जहां पर भी इंडियन क्रिकेट खेलने जाती है वहां पर दोस्तों हमेशा बारिश की दखलबाजी होती है। परंतु दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले में हमको बारिश की कोई दखलबाजी देखने को नहीं मिलने वाली है। एक्यू वेदर के हिसाब से इस वक्त यही बताया जा रहा है कि पहले T20 मुकाबले में बारिश के कोई आसार नहीं है, तो हमको यह मुकाबला बिना किसी रुकावट के एकदम फ्लो में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब अगर वेदर रिपोर्ट्स के बाद इस मुकाबले की टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो इस मुकाबले की टाइमिंग्स रखी गई है दोस्तों, वह सेम टू सेम साउथ अफ्रीका सीरीज की तरह रखी गई है। हालांकि दोस्तों, भारत में ज़्यादातर T20 मैच जो पहले होते थे, चाहे हम IPL के मैच भी देख ले, वह सभी मैच दोस्तों रात को 8 बजे से शुरू होते थे। परंतु इस सीरीज के लिए जो टाइमिंग्स रखी गई है वह दोस्तों होने वाली है शाम को 7 बजे से। तो दोस्तों, यह पहला T20 मुकाबला आपको शाम को 7 बजे से अपने TV और मोबाइल पर लाइव देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों, इस सीरीज के भी सभी राइट्स स्टार इंडिया ने अपने पास रखे हुए हैं। तो इसी वजह से यह मुकाबला आपको TV पर स्टार स्पोर्ट्स और मोबाइल पर हॉट स्टार की एप्लीकेशन पर लाइव देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर इन जानकारियों के बाद कुछ खबरों के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है इसी खुद के मुकाबले को लेकर। दोस्तों, जो यह मुकाबला होने वाला है वह 3 तारीख को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। परंतु दोस्तों, अभी जो दिल्ली में पॉल्यूशन रेट चल रहा है वो काफ़ी हाई है और इसी वजह से इस मुकाबले के ऊपर इस वक्त मौसम का तो कोई खतरा नहीं है, परंतु मुकाबले को रद्द करना भी के ऊपर भी दोस्तों जो एक खतरा है वह अभी तक पूरी तरह से नहीं टला है। क्योंकि दोस्तों, गंदी हवा की वजह से सारे पोल्यूटेंट्स दोस्तों इस वक्त मांग कर रहे हैं कि इसको मुकाबले को रद्द किया जाए। परंतु अभी देखने वाली बात होगी कि यह मुकाबला अच्छी तरह से हो पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब अगर दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो दोस्तों वो आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी आपको इस सीरीज में भी खेलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वह इस सीरीज से भी अनअवेलेबल थे। तो इसी वजह से ऋषभ पंत ही MS धोनी के स्थान पर विकेट कीपिंग करते हमको नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह थी इस मुकाबले की एकदम सारी जानकारी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम पहले T20 मुकाबले में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।